खाना नहीं खाई हो क्या? अरे यार डायमंड रिंग। मुंबई की बैटिंग हो गई है भाई, सम्मानजनक स्कोर बनाते हुए। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और दूसरे धमाकेदार ब्लॉग में। तो भाई एकदम सुबह सुबह उठ गए हैं आज। बहुत दिन से सोच रहे थे यार सुबह उठने के लिए, लेकिन आज सुबह उठ गए हैं। ये टेरेस है मेरा, तो कुछ ऐसा व्यू है, बढ़िया है ना, ऊपर से अच्छा लगता है। क्या बढ़िया सी मॉर्निंग हुई है। ये सामने पार्क है, कई बार मैंने वीडियो में दिखाया भी है। ये पूरा छत दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ऐसा टावर है। ये ऊपर तुम्हारे भाई का नाम भी लिखा है, इधर से दिखेगा नहीं। ये ऐसा है, ये यहाँ एक्सरसाइज कर रही है। बढ़िया। ये टंकी दिख रही है अगर आपको, ये वाली, इसी के जस्ट बगल में अपनी शॉप भी है। सब कुछ एकदम अगली बगल है, दिखता रहता है। ये कॉलोनी है, ये वहाँ पे घर। एक मिनट जूम करता हूँ मैं, ये यहाँ पे ठीक एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है भाई, इतनी ही औकात है। तो ये वहाँ पे हाईवे है, मेन रोड है भाई। हो गए नहा धो के रेडी, फर्स्ट क्लास एकदम मस्त। चलते हैं, वो टी शर्ट डालते हैं, चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं। आज तो वैसे कहीं नहीं जाऊंगा, घर ही पे रहने वाला हूँ, लेकिन आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल देखने में मज़ा आता है, और आज दो दो मैच भी है। तो आज बढ़िया बैठेंगे, कुछ बढ़िया खाने वाने का देखेंगे, बनवाएंगे और बढ़िया खाएंगे और मैच देखेंगे। क्या हुआ, क्या बना है ब्रेकफास्ट में? हाँ उपमा। खाना नहीं खाई हो क्या? अरे यार थोड़ा जोर से बोलो। खाना खाया है। चलो उपमा बना है। चलो दे दो, कुछ भूख लगा है यार। क्या हुआ, टप टप भरना है? अच्छा रुको भर दे, लाओ पहले यार कुछ खा ले, भूख लगा है। और रोशनी गुड, बढ़िया। ये क्या है, थोड़ा खाओ। मेरी मम्मी बहुत भोली है। मम्मी इतनी भोली क्यों? बस देखने से ही भोले। क्या क्या चैलेंज लगा है? नहीं पता नहीं। हाँ हाँ चैलेंज है, चैलेंज है। अरे नहीं, एक नहीं नहीं, पहले पांच भाभी फिर पांच दो। ऐसे नहीं नहीं नहीं, बारी 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 बारी। अच्छा तो एक मिनट, भाभी अपना फेस इधर करिए फिर। बारी बारी चलो। और ये हम जैसे मुंह खोले थे प्रॉब्लम ये है कि डर के मारे। अब इसका मुंह ही छोटा हो कितना ही खोल सकता। बोलो ना, पाप नहीं लगा। आज हम कर लो, तुम्हारे मन पे आ करो, आप करिए आगे और आग बढ़ चुके हो। आग बंद करो, आग कीजिए बंद। अरे एक बार आप मुझे हिम्मत मिलेगी। इतनी चालाक है। नहीं नहीं नहीं, आग बंद करो नहीं डर जाओगे। चलो नहीं डरूंगी। आग बड़ा बड़ा आग हो। हाँ फिर बड़ा आग किया था दीदी मैंने। हाँ भाभी का बंद भैया कर दीजो। मम्मी इधर गुस्से से देख रही है। नहीं देख रही, एक लास्ट बार, एक लास्ट बार। अच्छा सितारे मुन्ना नीचे चला। देख रहे मुंह कैसे कर रहे हैं, मुंह है यार नीचे कीजिए। लेकिन पता है भाभी बहुत चालू है, एकदम ऐसे जाके डाल रही है। तो भाई आज कुछ बढ़िया बन रहा है क्या? थोड़ी अलग स्टाइल है। भाई कुछ लाई हो क्या? हाँ डायमंड रिंग। अरे डायमंड रिंग तो ऐसे बोल रही है जैसे कि चॉकलेट ऑमलेट है। अच्छा कब कब गए थे, कब गए तुम लोग? अभी। अच्छा ये पेपर्स हैं और ये रहा रिंग। दिखाओ रिंग जरा, चलो दिखाओ। टिंग टिंग टिंग। अरे टिंग, ये
डायमंड रिंग। ये डायमंड है? हाँ यार, ये तो मेले में मिलती है, 10 रुपए वाली लग रही है। अच्छा नहीं, सही है सही है। चलो कैसा लग रहा है आपको डायमंड रिंग खरीद? बहुत अच्छा, अपने पैसों का है। हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई शाम हो गई है, अब कुछ करने को था नहीं तो सोचा थोड़ा बाहर ही चला जाए, इधर उधर घूम लिया जाए। ले होना। ये दोनों बैठ के यहाँ किया रही है और ये कुछ पता नहीं अपने कॉलेज से काम वगैरह कर रही है। तो ठीक है फिर चलते हैं, बाहर का कुछ ऐसे नज़ारा है दिखा देता हूँ। गोलगप्पे मैं नहीं लाऊंगा भाई, बाहर जाओ तो खिला दूँ। ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, शाम हो चुकी है। बाकी जा रहा हूँ, कुछ छोटा मोटा एक दो छोटा मोटा काम था, कुछ सामान वामान भी लाना था, तो चलते हैं बाहर ही। घर में कब तक बैठे रहेंगे यार, मैं सैटरडे के दिन बोर हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो क्या हुआ, कुछ नल्ला वल्ला बोल रही थी, शकल दिखाओ। कुछ नल्ला वल्ला बोल रही थी, शकल तो दिखा दो। गोलगप्पे नहीं, शकल 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 तो दिखा दो। अब नहीं बोलोगी भाई? सामान वामान तो लेके आ चुके हैं यार, पर कुछ सामान थे जो छूट गए तो उसको नहीं लिया। और क्या कहते हैं, एक रोड पे इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी पुलिस थी। नहीं मैं कोशिश करता मैं वीडियो बनाने का और दिखाने का आप तक का, और काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट था। मतलब ऑलमोस्ट यार समझ जाओ ऊपर वाले की कृपा थी, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई मरा नहीं, लेकिन बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था। एक इनोवा थी, वो पुरानी वाली इनोवा मॉडल, पूरी एकदम ऐसे चिपक गई थी और वो बुलेरो से उसकी टक्कर हुई थी। दोनों गाड़ी की एकदम हालत ख़राब हो गई, दोनों ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ थी। अब यार थोड़ी भूख भी लग गई है, देखते हैं। पूजा किचन में है, कुछ बना ही रही है, तो चलते हैं देखते हैं क्या बन रहा है। ओ भाई मुंबई की तो हालत खराब, ये शॉट है। और क्या कहें, छोड़ा बंदे ने, बाप रे बाप, शट 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 शट। अभी लेकिन बहुत बढ़िया विकेट गिरा है, मुंबई की हालत ख़राब हो गई। ये कैच बहुत गंदा कैच छूटा, बहुत गंदा बहुत गंदा। कोई बात नहीं, आउट हो गया। बढ़िया शॉट मार रहा था, दो ओवर में ही, मतलब एक ओवर में ही काफ़ी फर्क आ गया। ये बढ़िया कैच गया है, मुंबई की बैटिंग हो गई है भाई, सम्मानजनक स्कोर बनाते हुए। ठीक है, इज्जत बचाली मुंबई ने, आज वहीं उन्हीं के फील्ड में उनका मैच था, देखते हैं। वैसे हम लोग तो सीएसके के साथ हैं, धोनी भाई का साथ, उनका लास्ट आईपीएल भी है इस बार, देखते हैं। लेट्स सीएसके खाना वाना हो गया है, अब चलते हैं। आइसक्रीम की खोज में निकले हैं क्या? नहीं, आज आइसक्रीम नहीं खाएंगे। कल भी गए थे, कल शूट नहीं किया था, लेकिन आज आइसक्रीम नहीं खाएंगे क्योंकि यार गला भी थोड़ा दर्द कर रहा है भाई। कांड हो गया है, कांड क्या हुआ है, यहाँ पे एक कपड़ा वाला बैठता है, कपड़ा प्रेस करता है वो, ये अपना थोड़ा सा आगे घर है तो यहाँ पे वो बैठता है। ऊपर एक किराएदार आंटी रहती है, तो वो उनका कपड़ा मतलब दिया था तो समझ नहीं पाया कि आज ही देना था, तो आज नहीं दे पाया। इनको ज़रूरत है, इन लोगों को कहीं एमपी वगैरह निकलना था, इनके हस्बैंड नाराज़ हो रहे हैं। तो ये कहीं बताया, उसने फ़ोन करके पता किया कि बगल वाले घर में दिए थे, लोग जाके वहाँ से ले रही हैं। वो पता नहीं क्या बोले, पता नहीं, मैं दूर खड़ा हुआ हूँ। ये सिस्टर है, ये पूजा है वहाँ पे, और वो गेट पे वो आंटी है। तो भाई टहल वहल के घर आ चुके हैं, वो ऊपर वाली आंटी का उनका कपड़ा मिल चुका है, फाइनली उनका कपड़ा किसी तरह दिलवा दिया उनको। उन लोग को सुबह मंदिर निकलना था, एकदम सुबह ही सुबह, वो लोग शायद मैहर वगैरह या कहीं जा रहे हैं। तो 31 कपड़े दिए हुए थे उन्होंने, तो अब सोचिए 31 कपड़े थे। तो ये तो वो जहाँ पे कॉलोनी में वो प्रेस करता है, बगल में एक अंकल रहते हैं, उन्हीं के यहाँ वो रखता है। तो हम लोग को पता था, तो किस तरह उनका कपड़ा दिलवा दिया गया। अभी नए नए वो शिफ्ट भी हुए हैं, बिहार के रहने वाले हैं वो लोग। तो बस यही था फाइनली। और बाकी यार लास्ट वाले ब्लॉग में बढ़िया प्यार दिखाया आप लोग ने, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से इतने दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद ब्लॉग आया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ जाएगा। फिर भी कम टाइम में काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया, जो कि मुझे जान के मतलब देख के बहुत ही खुशी हो रही है। तो बस यार ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। और भाई जो लोग देख रहे हो यार, क्या प्रॉब्लम है भाई सब्सक्राइब करने में? जो लोग वीडियो देख रहे हो, अगर डेली भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन।